हेलो एवरीवन, बहुत लोगों ने मुझे डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर दे दिया है जो सोफिक सर ने भेजा है, तुम लोगों ने थ्योरी सुन लिया होगा। तो इस वाले में मैं कुछ थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका बता रहा हूँ, और तुम देखोगे इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज़ एक तो है, दो चीज़ें पता होना चाहिए, सोर्स जहाँ से साउंड निकल रहा है, जहाँ से साउंड आ रहा है, ये मान के। ठीक है, जहाँ से साउंड आ रहा है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जर्वर जहाँ तक साउंड, जिसको साउंड सुनाई दे रहा है, जिसको साउंड सुनाई दे रहा है। ओके, जैसे गाड़ी आ रहा है तुम पीछे से, तुम्हें पता लग जाता है उसके साउंड से कि वो पीछे से आ रहा है। आगे से आ रहा है तो अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, और गाड़ी तुम्हें क्रॉस करके चला जाए तो वो अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। ये तो तुम नोटिस किया ना, मतलब अलग आवाज़ हो जाता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई दे रहा है। ठीक है, जिसको साउंड सुनाई दे रहा है। तुम देखो ये ट्रिक से कोई भी प्रॉब्लम तुम उठाना, मैं तो बोल रहा एसी वर्मा भी लगा लो, तुम्हारे कोई भी बुक उठा लो, सॉल्व करोगे तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, क्या क्या करना है मॉडिफिकेशन में बताते जाऊंगा। सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक चीज़ याद रखना, डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव, मतलब साउंड जहाँ से जा रहा है, साउंड वेव मतलब ऑब्जर्व, मतलब क्या होगा, सोर्स प्रोड्यूस करेगा, सोर्स से ऑब्जर्वर की होगा। डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव इज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए, सोर्स टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से सुनो, हम क्या करने वाले हैं, मैं दो फॉर्मूला याद रख, ओके, एपरेंट, और एक चीज़ होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट वेवलेंथ। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने प्रोड्यूस किया, ध्यान से सुनते जाना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर को मिला। ठीक है, जो ऑब्जर्वर को मिला या जो ऑब्जर्वर ने रिसीव किया, किया सेल्टोस वाला गाड़ी जो है ना, वो वाला। एपरेंट वेवलेंथ सेम तरीका है, वेवलेंथ जो ऑब्जर्वर ने रिसीव किया, जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर ने रिसीव किया उसको एपरेंट वेवलेंथ बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ने रिसीव किया उसको हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो आवाज़ हम लोगों को सुनाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है, वो अपेरेंट, ऐसे मान के चलो। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं दो फॉर्मूले दूंगा, उसी फॉर्मूले से हर एक प्रॉब्लम बन जाएगा तुम लोगों को। मुझे पता है एक इस साइड जाता है, एक उस साइड जाता है, उस साइड से काफ़ी बनता है, लेकिन ये वाला तरीका बहुत शॉर्ट है। तुम देखोगे हार्डली, मैं समझाने के लिए इस ट्रिक को 10 मिनट लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स में कुछ कराऊंगा तो और 20 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करोगे तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, और एक बात पहले ये स्टार्ट करने से बता देता हूँ, डॉप्लर इफेक्ट में जिसको डाउट था मैंने ये क्लियर कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तुम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें कोई टॉपिक में डाउट है कमेंट पे डाल दिया करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन है ना, इसी में डाल दिया करो, तभी कि मुझे समझ में आया ओके ये टॉपिक में डाउट है, तो मैं वो भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करने लगूंगा। हाँ, और जैसे आज R2 R3 के साथ मीटिंग था और तुम लोगों के बैच ने मुझे ये पूछा है कि मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर बनाने हैं, ठीक है, मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर अपलोड करूँगा। आज मैं सोच रहा एक बना दूंगा, लेकिन आज मैंने ये पहले ये सोचा कि ये डॉपलर इफेक्ट बता देता हूँ, कल से एक एक लेक्चर तुम्हें मिलता जाएगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कवर करूँगा। थोड़ा थोड़ा टाइम अगर तुम लोगों के पास है देख के सुन लेना, जिनको डाउट है, जिनको आता है वो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता सुन लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने आज ये बोला था कि सर करा दीजिए, तो क्योंकि मॉडर्न में बहुत ज़्यादा वेटेज है, 5 क्वेश्चन आना है, मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन तो आने वाला है, तो वो वाला पार्ट मैं पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम लोगों को एक काम और कर सकते हो, अब कभी कभी मैं लिंक भेजना भूल सकता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रख देना। ठीक है, पहले ये लेक्चर सुन लो, अगर अच्छा लगा बताना, मैं नेक्स्ट वाले अगर वीडियो बनाना है कुछ बता देना। चलो अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का, मान लो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, मैं रिफ्लेक्शन वाले केस में भी शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर और ये सोर्स है। याद रखना डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव इज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो ये डायरेक्शन ऑफ साउंड हो गया। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले बस याद रखने बोलूंगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला जो रिसीव करता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ
इज इक्वल टू एफ अपेरेंट एफ ए लिख दिया एफ एस वी माइनस कैपिटल वी एस लिख दिया। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो, ये मतलब अलग है। और ये वी माइनस सॉरी ये वी माइनस वी ओ और ये वी माइनस वी एस कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखना। इसमें मैं क्या है मैं बताऊंगा, वी इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो दिया होगा। वी ऑब्जर्वर का है लेकिन ऑब्जर्वर का स्पीड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, याद रखना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम चीज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स सोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम विल टेक, देखो ये वी एंड वी ओ एंड वी एस आर टू बी यूज विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन, एक साइन कन्वेंशन बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें लेना है, ठीक है। कैसे लेना मैं बताता हूँ। डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव, पहले बार याद रखना ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर है। डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव ऑपोजिट, सो उसका उल्टा इज टेकन एज सॉरी पॉजिटिव, सो इज टेकन एज पॉजिटिव, मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव एंड उसका उल्टा नेगेटिव। अब सिंपल से तरीके में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने इक्वेशन करने के लिए बोला, वी और वी एस कैसे साइन कन्वेंशन के साथ लोगे, देखो तुम्हारा एक प्रॉब्लम है बता रहा हूँ तुम्हें, एक सेकंड में हो जाएगा ये चीज। मान लो ये एक सोर्स है, यहाँ पे बस मैं साइन कन्वेंशन यूज करना सिखा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे और एक फ्रीक्वेंसी मैं फॉर्मूला बताऊंगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का भी। मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। मान लो ये सोर्स ऐसे जा रहा है विद स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम पास वाला क्वेश्चन है, और ये मान लो ऑब्जर्वर ऐसे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसने मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दे दिया तुम्हारा 400 हर्ट्ज, ठीक है, ये 400 हर्ट्ज है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड का वैल्यू दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। बोला गया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी या फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, ठीक है, हर्ड बाय ऑब्जर्वर। देखो एक बार तुमने ये समझ लिया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी का भी निकाल सकते हो। देखो पहली बार सोर्स एंड ऑब्जर्वर हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है। सोर्स से ऑब्जर्वर मतलब ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ साउंड को पॉजिटिव लेना है। तो इस केस में मैंने बोला था वी ओ और वी एस को साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। सो वी एस क्या लिखोगे, साउंड के डायरेक्शन में, देखो सोर्स से ऑब्जर्वर साउंड की ओर हो ना, मतलब साउंड का, देखो साउंड का डायरेक्शन कौन सा साइड है, राइट साइड, तो राइट साइड को पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट साइड को क्या लोगे, नेगेटिव। तो वी एस क्या लिखोगे, प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। वी ओ क्या लिखोगे, देखो साउंड राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, फॉर्मूला जब लिखोगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को मिलेगा, एफ एस वी माइनस, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इसको, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 400 है, वी 340 है, माइनस वी ओ, माइनस ऑफ माइनस 5 तो ये प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे वी 340 माइनस 3, कैलकुलेशन तुम लोग करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ पा रहे हो, ये अप्रोच करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखो ये पहला प्रॉब्लम में मैंने पूरा समझा दिया, अगर ये ऑब्जर्वर इस साइड जाता राइट साइड, और याद रखना सोर्स से हमेशा ऑब्जर्वर की ओर ही होता है वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव मानना सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन टाइम पास है, यहाँ पे मुझे बताना बस वी और वी एस का साइन सिखा रहा हूँ, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। यहाँ पे मान लो सोर्स ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये ऑब्जर्वर जा रहा है इस साइड तुम्हारा, ऑब्जर्वर मान लो उल्टे साइड जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे बताना वी ओ यहाँ पे कितना होगा और वी एस कितना होगा। पहली बात, जब फ्रीक्वेंसी मान लो इसका 400 हर्ट्ज ही है, जब साउंड रिलीज करेगा याद रखना सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे, क्योंकि साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, सोर्स से ऑब्जर्वर तक जा रहा है, इसलिए तो सुनाई दे रहा है ऑब्जर्वर को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी एस इसी कल क्या लिखोगे, चलिए से बोलो, प्लस या माइनस, ये देखो ये राइट साइड प्लस है तो ये माइनस हो गया,
वीओ क्या लिखोगे? प्लस थ्री, और वही फॉर्मूला में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, टाइम पास वाला सवाल है. नेक्स्ट हम लोग और एक चीज़ डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनो. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. मान लो ये क्वेश्चन है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये ऐसे है. लेकिन मान लो, ठीक है, मैं ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पे दे दिया, थोड़ा सा मतलब ये कर रहा हूँ, ये सोर्स ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लो तुम्हारा हो गया 60 डिग्री इनके बीच, मतलब ये ऐसे जा रहा है राइट साइड 60 डिग्री. अब एक चीज़ यहाँ से सुनो, मैंने एक चीज़ बोला है, तुम जब फॉर्मूले में वी ओ वी एस लेते हो ना, वी ओ वी एस, देखो ये हार्ड क्वेश्चन है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये हार्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है. वी ओ वी एस ये किसके अलॉन्ग लेना है? लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर. देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट से मार्क करके रखा हूँ, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर. तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर के लाइन में ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज़ फ्रीक्वेंसी इसका 400 हर्ट्ज है. मैं बोलता फाइन, फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर, फाइन फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर. पहले ये सब क्वेश्चन करा लेता, उसके बाद पूरे नीट के क्वेश्चन कराऊंगा. फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर, तुम देखोगे हर एक क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, अगर नहीं बना तो मुझे बोलना कहाँ दिक्कत आ रहा है, मैं बता दूंगा. और मेरे मुझे लगता है होपफुली हर एक का बन जाएगा, पूरे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, अब यहाँ से देखो, पहली बार ये सोर्स से ऑब्जर्वर वाला लाइन है, तो नोटिस करो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा, वो वाला मुझे निकालना है. 10 cos 60 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, वो तो रेस्ट पे ऑब्जर्वर ना. अब पहली बात, वेलोसिटी ऑफ साउंड एरिया मान लो 340 मीटर पर सेकंड. अब मुझे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या करना है. फॉर्मूला तो एक ही है, एफ ए इज इक्वल एफ एस वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, एक ही फॉर्मूला है. अब डायरेक्शन ऑफ साउंड को पॉजिटिव मानोगे तो ये साउंड, तो डायरेक्शन ऑफ साउंड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, सोर्स से ऑब्जर्वर, तो ये साइड पॉजिटिव हो गया. ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है चलो ऑब्जर्वर को भी ऐसे बना देता, ये मान लो ऐसे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, तो इस केस में क्या लिखोगे, वी एस. पहली बार बताना वी एस कितना लिखोगे. ये नोटिस करो, सोर्स का इस साइड में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, और इस साइड ही जा रहा है साउंड के डायरेक्शन में, तो ये प्लस 5 हो गया. ठीक है, प्लस 5 मीटर पर सेकंड. वी ओ कितना होगा, नोटिस करो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -5. तो फॉर्मूला में क्या पुट करोगे, 400 340 माइनस ऑफ -5 कर दिया, और यहाँ पे 340 वीएस तो +5 है तो -5 लिख दिया. याद रखना अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग निकालना है. हालांकि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट वेवलेंथ का भी बोलता हूँ. अपेरेंट वेवलेंथ का हालांकि इतना यूज नहीं होगा, लेकिन तो एक फॉर्मूला याद रखना, अपेरेंट वेवलेंथ सेम फंडा. ठीक है, सेम फंडा, फंडा मतलब सेम तरीका. ठीक है, अपेरेंट वेवलेंथ को हम लोग लिख सकते लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल लैम्डा ऑफ सोर्स वेवलेंथ ऑफ सोर्स, वेवलेंथ ऑफ सोर्स. फॉर्मूला दो याद रखना, बस ये दो फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, देखो हर एक क्वेश्चन बनेगा. हाँ, और वेव से डॉप्लर इफेक्ट से आने के चांसेस 50% रहते हैं एक टॉपिक से एफ एस. नोटिस करना ये बस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स Only on velocity of source and frequency of source. Only on velocity of source. Velocity of source. Sorry, ये lambda नहीं है रे, मेरी गलती है. Sorry. ये वाला. Depends only on velocity of source. ठीक है, तो एफ एस को एक तो यार तुम्हें वी इक्वल एफ इंटू लैम्डा, ये तो ऑलरेडी पता है. तो अगर मान लो ऑब्जर्वर कुछ भी मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अगर चेंज नहीं हो रहा है, वो लैम्डा अपेरेंट जो ओरिजिनल है वही सुनाई देगा. ठीक है, ये तभी चेंज होगा अगर मैं बोलूँ लैम्डा ओरिजिनल. लैम्डा ओरिजिनल मतलब लैम्डा सोर्स इज इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल लैम्डा एस, लैम्डा सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होगा ना. सो लैम्डा ओरिजिनल कितना होता है, वी बाय एफ एस. ठीक है, ये ओरिजिनल होता है. तो अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स अगर रुका हुआ है, तो वी बाय एफ एस मतलब ये ओरिजिनल ही होगा, भले ही ऑब्जर्वर मूव करे ना करे. हालांकि इसके बारे में हम लोग बहुत कम ही प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन तुम्हें साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए. चलो आप कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जल्दी से हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर और तरीके देखने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन नीट के 2017 का क्वेश्चन है, टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो एक कार है, ये कार वन ए मान लो 22 मीटर पर सेकंड से आ रहा है. ठीक है, अप्रोच ईच अदर मतलब ओपोजिट डायरेक्शन है और अप्रोच ईच अदर. ठीक है, अब इसको कौन सा सोर्स है कौन सा ये है आइडेंटिफाई करना है. ये 16.5 मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 70 था शायद तुम्हारा, ये प्रीवियस दिशा का ही है. द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोस ए हॉर्न, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 400 हर्ट्स,
फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार, वेलोसिटी ऑफ साउंड यह है 340। थोड़ा सा एजम्पशन भी करना, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए तुम लोगों को। अब एक चीज़ यहाँ से सुनो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से देखना, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब साउंड यहाँ से यहाँ जा रहा है ना ऐसे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे। वेलोसिटी ऑफ ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर डायरेक्टली पार पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लिखोगे, वी एस क्या लिखोगे, कैपिटल वी एस, सेम डायरेक्शन में साउंड के, प्लस 22 मीटर पर सेकेंड। वी ओ क्या लिखोगे, -16.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या करोगे, एफ अपेरेंट जो सुनाई दे रहा है, एफ एस वी माइनस वी एस, सॉरी वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, बस ये तो फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरह से देखना। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एफ अपेरेंट इज इक्वल एफ एस जो कि है तुम्हारा कितना हर्ट्ज है, 400, वी कितना है 340, माइनस वी ओ को क्या लिखोगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 16.5 हो गया, ठीक है। एक ही बार में पूर किया, माइनस माइनस प्लस है, और ये वी 340 माइनस 22। अब नोटिस करो, ये जो आएगा, ये जो आएगा, ये अपना आएगा, अपना टाइम आएगा कितना आएगा, 356.5, ठीक है, और ये आएगा 320 से कितना माइनस करो, 18 आएगा, 18 के आसपास। अब तुम्हें एक चीज़ समझना आना चाहिए, इसमें अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। देखो अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे, तुम्हारे ऑप्शन में क्या क्या है, देखो एक बार पहले देख लो ऑप्शंस में क्या क्या है, 361, 411, 448, खुद सोचो ये किसके आसपास जा रहा है। मतलब ये अगर देखोगे 35, 10, 35, मतलब ये देखो, ये अगर तुम लोग थोड़ा बहुत देखोगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए, 31.8 है, 1.1 के आसपास जा रहा है, 1.1, ये 318 से थोड़ा ज़्यादा है, 1.1, तो 400 से ज़्यादा होगा, 1.1 के आसपास है, तो कितना होगा अप्रोक्सीमेट 400। देखो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट, ए डी एलिमिनेट। आप नोटिस करो 411, 1.1 किसके आसपास है, 440, टिक 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 टिक, मार दो सी को, ठीक है, तुम्हारा आंसर मिल गया तुम्हें, लेकिन तरीका यही है। ओके, अब एक चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 71 में थोड़ी देर बाद कराने वाला, क्योंकि मैं इको का प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 72 देखो, क्वेश्चन नंबर 71 में कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 भी कराऊंगा। 72 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, मैंने डायग्राम पूरा नहीं आया है क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है। डायग्राम ये था कि ये तुम्हारा वी एस दिया हुआ है, ये वी एस करके लिखा है, वी एस, और ये जो है ना ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये डायग्राम इसका नेक्स्ट वाले पेज में था तो मैंने ये दिया था। ऑप्शन ए दिया है 103 हर्ट्ज, हम लोग 72 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 103 हर्ट्ज, 106 हर्ट्ज, सॉरी 106 हर्ट्ज। ऑप्शन बी, मेरा हैंडराइटिंग तो ख़राब है ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो एडजस्ट कर लेना, समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और ये डी 103 हर्ट्ज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो, 73 में जो क्वेश्चन, 72 में जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है। पहली बार मैंने एक चीज़ बोला था, हमेशा डायरेक्शन ऑफ कहाँ से कहाँ तक लोगे, साउंड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है, 330, देखो ये 330 दिया गया है। 60 डिग्री कितना मीटर इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 90 एट एन एंगल 60, देखो हमें कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग याद है ना, वी एस कितना है, मैग्नीट्यूड ट्वाइस तो 19.4 है, लेकिन 19.4 कॉस 60 होगा, कॉस 60 मतलब इसका आधा, आधा होगा मतलब 9.7, ठीक है, 9.7 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट पे है, कुछ नहीं बोला है। तो अब तुम्हें यही करना है, तो नोटिस करो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब वी ओ जीरो है, वी एस प्लस 9.7 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, हमें बस उस कंपोनेंट से मतलब है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला में पुट करो, एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ एस वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, तुम्हें आंसर लिखे जाएगा, कितना हर्ट्स आ रहा है इसका ओरिजिनल 100 हर्ट्स, वी कितना है 340 है, ये जीरो है, 340 माइनस 9.7 इज अप्रॉक्सीमेटली 330.3, 100 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 330.3। अब ये नोटिस करो, ये पहली बार वन से तो ज़्यादा होगा, वन से ज़्यादा होगा मतलब दो ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन ये सी बी और सी एलिमिनेट हो गया, अब बचा 106 और 103। कैलकुलेशन मुझे पता है मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन मुश्किलों से तुम्हें लड़ना आना चाहिए। 103 और 106 तुम अगर नोटिस करोगे, इसको अगर तुम कैंसिलेशन करते हो एकदम छोटे पार्ट में लेके जाओ, 33 जो है ये 330 ही मान लो,
330 मान के करो, 100 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 330 ऐसे करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। 33 10, 10 के बाद पॉइंट करोगे 10.3 के आसपास आएगा, ठीक है। 10 इंटू 10.3 अप्रॉक्सीमेटली तो मेरा 103 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, तुम्हारा ऑप्शन में भी ये था। मुझे लगता है हर एक बंदे को क्लियर है ये क्वेश्चन। ऐसे मैं और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो तुम्हारे मतलब नीट में आ चुके हैं, उसके बाद मैं इको वाले प्रॉब्लम भी कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, पूरे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अभी आज ही कराने वाला हूँ सब प्रॉब्लम। ओके, अब 73 देखो, क्वेश्चन नंबर 73। ए स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोस डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, बस ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक हैज इज एंड अ कार मूविंग अहेड ऑफ हिम, कार अहेड ऑफ हिम, देखो कार अहेड ऑफ हिम और एक ही रास्ते में जा रहा है, कितने स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड में अगर करोगे 5 कितना होता है रे, 18 इंटू 5/18 होता था, याद है ना, 5/ कितना होता था रे, देखो ये एक बार अगर किसी को डाउट है, 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आवर मतलब कितना सेकेंड, 3600, ये ऐसे ऐसे कैंसिल गया, 5 2 18 2, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। सिमिलरली ये 36 किलोमीटर इसके पीछे था, ये बाइक वाला 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे याद रखना, ही स्लोज डाउन टू, ही फाइंड्स एन ए कार मूविंग अहेड ऑफ इस हॉन्किंग, हॉन्किंग मतलब हॉर्न बजाना, तो ये सोर्स हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ इज़ इक्वल टू 1392 हर्ट्ज, और ये जब हॉन्क कर रहा है तो यहाँ से सोर्स से ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया ना, यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे, तो वी एस क्या लिखोगे, प्लस या माइनस, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। वी ओ क्या लिखोगे, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी ध्यान रखना, दोनों ही माइनस होंगे क्योंकि दोनों राइट साइड है, और साउंड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, सोर्स से ऑब्जर्वर। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, एक चीज़ ध्यान से सुनना, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है क्योंकि हर्ट बाय द ऑब्जर्वर ही निकालना है। क्या लिखोगे, एफ एस वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, एक ही लाइन में आएगा, वी कितना पकड़ने के लिए बोला है, 343, सो कितना हर्ट था, 1392, 343 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, 343 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, सो ये कितना आता है रे, एफ ए इसे करो, हाँ कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन ठीक है, आप बाद में अभी जो क्वेश्चन देंगे मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा इजी देंगे, कैलकुलेशन भी इजी होगा, 348 है। नोटिस करो, इसको अगर तुम्हें करना है करोगे, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, बाकी ऑप्शन देखो, डिंग डिंग बी, दो ऑप्शन आप बच गए, सी और डी में मारना है, तो नोटिस करो 1 से एकदम कम ही ज़्यादा होगा, 1.0 समथिंग होगा, क्योंकि ये एकदम 353 और 340 ऑलमोस्ट पास में है, तो मेरे ऑप्शन से अगर देखोगे सी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, ये बीट वाला क्वेश्चन है, बीट वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना, बीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप बीट में अगर डाउट है बता देना, मैं ये सब क्वेश्चंस भी मतलब करा के दे दूंगा, ठीक है। द ड्राइवर, ये सब जो क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, ये सब जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ये सब सेकेंड वाला पार्ट अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं सिखाने के लिए पहले मैं और एक तरीका तुम लोगों को पहले बता लेता हूँ, ये सब मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर से इस बार लाने वाला हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ पूरा चीज़। रिफ्लेक्टेड साउंड शॉर्ट ट्रिक फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड, एकदम तुम्हें लगेगा ये हार्डली एक लाइन में, एक लाइन नहीं रहे, एक ही फॉर्मूले से पूरा फॉर्मूला बन जाता है, मतलब पूरा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। मैं सबसे पहले तुम्हें बहुत बता रहे हो, मान लो इसको अच्छी तरह से समझना है, रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। मान लो ये सोर्स है, और मान लो ये सोर्स था, ये ए था, ए हॉर्न बजाया, फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज बजाया, और यहाँ पे ये बी था, यहाँ पे वाल था, ठीक है। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये मान लो रेस्ट पे है, मैं सम ये रेस्ट पे दूँ या क्या दूँ मैं, चलो ये भी मैं दे देता 5 मीटर पर सेकंड। क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो एक तो मैं लंबा तरीका सिखा सकता हूँ, और वो ऑलरेडी सर ने सिखा चुका है, चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक अगर सिखा दिया मुझे नहीं पता, मैं शॉर्ट ट्रिक अपने हिसाब से बना के बना रहा, बता ध्यान से देखना, ये ए है ये बी है, इसने बोला है फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय बी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ट बाय बी, देखो
कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये सोर्स है, इसी ने बजाया, फिर इसी को रिफ्लेक्ट होके वॉल में इको आएगा ना, फिर उसको इसी को सुनाई देगा। तो उस केस में यही ये जो है किसकी तरह काम करेगा, जब बजा रहा है ये ओरिजिनल सोर्स था और ये ऑब्जर्वर की तरह भी काम करेगा अभी। लेकिन यहाँ पे याद रखना, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे क्या करना, इस ए के बदले तुम्हें, क्योंकि देखो डायरेक्ट वाला पूछा नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, कौन से वाले का पूछा है जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, मतलब ऐसे गया नहीं, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, ठीक है, इस साउंड का पूछ रहा है। तुम्हें जब भी रिफ्लेक्टेड साउंड का क्वेश्चन आया ना, क्या करना, ए की लाइन में अगर तुम्हें करना है टेक द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, टेक द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, ऑफ द ओरिजिनल सोर्स सोर्स, ठीक है, ये पहला स्टेप। दिस सोर्स विल बी, दिस इमेज विल बी द सोर्स, विल बी द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब वो रिफ्लेक्टेड साउंड का सोर्स होगा। अब ध्यान से सुनो, सोर्स और ऑब्जर्वर अगर कभी सेम भी हो सकता है तो ध्यान रखना, मैं प्रॉब्लम पूरा कराने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कहीं पे भी डाउट आता है पूछना। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में क्या करोगे, सुनो, ये ए था, ए ने बजाया था, ये सोर्स ओरिजिनल था, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, टेक द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, मतलब ये ए था और ये बी था। अब मुझे ए से कोई लेना देना नहीं, ए का जो मिरर इमेज बनेगा, ध्यान से देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा, ए का मिरर इमेज यहाँ बनेगा, ये ए का ओरिजिन, और इसका फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा क्योंकि इसका मिरर इमेज है, बस मिरर इमेज बनेगा तो वेलोसिटी कहाँ होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए ये सोर्स हो गया, ये सोर्स मिरर इमेज सोर्स है, कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, तुम मानोगे यही सोर्स है, और ये बी था, कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब तुम ये मानोगे कि साउंड यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 400 हर्ट्ज़। तुम देखोगे ये नॉर्मली दो तीन लाइन बार फॉर्मूला लगाने के बाद होता है, लेकिन अभी एक ही बार में देखोगे। इस केस में वी एस कितना लिख दो, सेम डायरेक्शन है साउंड है, तो +10 हो गया। याद रखना सोर्स कौन होगा रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए, मिरर इमेज। वी ओ क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे या माइनस, -5 मीटर पर सेकेंड। अब एक ही लाइन में प्रॉब्लम देखोगे, एफ एपरेंट जो इसको सुनाई देगा, रिफ्लेक्टेड साउंड का इसी को तो सुनाई देना है ना, तो एफ ए इसे कहो एफ एस, क्योंकि इसका फोर्स वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, कैलकुलेशन बाद में करना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एफ ए इज इक्वल टू एफ एस कितना है, अब एफ एस कितना था, अरे 400, सेम फोर वी कितना मान लो 340 मान लो, अरे वी 340 दिया हुआ है मान लो, 340 माइनस वी ओ, वी ओ मतलब +5 हो गया, माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 340 माइनस वी एस, वी एस कितना है, 10, तो कैलकुलेशन करते जाना, ठीक है। अब ये अगर समझ गए, देखो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ये मान लो ए है, ये हो गया क्वेश्चन, ये ए है, मान लो इसी ने हॉर्न बजाया और इसी को रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दिया, तो इसके लिए नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए, ये सोर्स हो गया, और ये खुद भी एक क्या हो गया, ऑब्जर्वर, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मिरर इमेज भी कितना बनाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर, तो वी ओ क्या लिखोगे। देखो अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं प्रीवियस से, देखे पहले दो प्रॉब्लम दिक्कत लगेगा, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें समझ में आया ना मुझे बताना, अगर नहीं समझ में आया तब भी बताना, ताकि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और नॉर्मली मैं जब तक समझाया आज तक तो सबको समझ में आया है, दो तीन प्रॉब्लम करने के बाद नहीं समझ में आया मैं फिर से थोड़ा हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 अभी हम लोगों ने स्किप किया था, मैंने बोला था अभी करने वाले हैं, ठीक है, अभी हम लोग करने वाले थे इसको। तो 71 क्वेश्चन देखो, तुम लोग कहीं पे भी देखोगे ये मेथड तुम लोगों को नहीं मिलने वाला, तो सीख लो एक बार अच्छी तरह से। एक ही लाइन में प्रॉब्लम बनेगा इनिशियली, तो ठीक है मिरर इमेज बना के मैं दिखाऊंगा, लेकिन बाद में नहीं चाहिए। देखो ए साइरन एमिटिंग फ्रॉम एन ऑब्जर्वर एंड साइरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो ये साइरन है, ये ऑब्जर्वर है, ए साइरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टूअर्ड्स ए क्लिफ। पहली बात देखो साइरन कहाँ जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर, लेकिन किसकी ओर जा रहा है, क्लिफ की ओर, तो ये क्लिफ की ओर जा रहा है, ये साइरन है, ठीक है, ये और ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर इस साइड होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा अंदाजा लगा के हमें बनाना होगा, डायग्राम बनाना मजबूर है। एफ एस सी सिकल कितना दिया हुआ, 800 हर्ट्स, 15 मीटर पर सेकेंड। अगर डायरेक्ट साउंड पूछता तो यहाँ से यहाँ ले लेते, खत्म कहानी,
then the frequency of the sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff, मतलब तुम्हें डायरेक्ट वाला नहीं चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाला चाहिए, मतलब ऐसे आके ऐसे. तो रिफ्लेक्टेड वाले के लिए सोर्स कौन होगा इसका? मिरर इमेज. मिरर इमेज सायरन का ये बना, तो ये सोर्स हो गया. और ये कितने से आएगा? मिरर इमेज मतलब वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में हो गया ना, ये 15 ऐसे 15 हो गया. फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, अभी बोला था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप तुम्हारा खत्म करना, ये ऑब्जर्वर था क्योंकि ऑब्जर्वर को ही सुनना है. और ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया. ये कितने से आ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी कितना है? 800. तुम लोगों ने अगर प्रॉब्लम अटेम्प्ट किए होगे पहले लेक्चर के बाद जो सर ने दिया है, तुम्हें इस मेथड का महत्व समझ में आएगा. एक लाइन में प्रॉब्लम बनता है तो इसमें देखोगे एफ एपरेंट जो सुनाई देगा, एफ एस. देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बहुत बार कर चुका है. एफ एपरेंट एफ एस वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस. इस केस में नोटिस करो, सोर्स ये हो गया, यहाँ से ऐसे साउंड आ रहा है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा. सो वी एस क्या लिखोगे? प्लस 15 लिखोगे ना. तो वी माइनस, देखो एफ एस में डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, एफ एस कितना है? 400, सो 800. वी कितना है? 330. देखो 330 दिया हुआ है. माइनस वी ओ, वी ओ एस रेस्ट पे 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कुछ बोला नहीं है, मतलब रेस्ट पे मानना है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 330, वी एस सेम डायरेक्शन माइनस 15, तो ये कितना हो गया? नोटिस करो, ये बहुत अच्छा आंसर आता है रे. 800 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 315, ये 15 से जाएगा. देखो 10 20 21, 10 20 22, 22 इंटू 800. देखो 22 इंटू 800 टू अगर पॉइंट से करोगे 1 point something आएगा, तो 1 से जस्ट ज़्यादा होगा. ठीक है, 1 से जस्ट ज़्यादा होगा, एकदम कम ज़्यादा होगा. तुम अगर देखोगे 1 से बहुत कम ज़्यादा होगा, 1.1 भी नहीं होगा. 1.1 होने से ये हो जाएगा, तो 1.1 तो होगा नहीं. चलते 1 2 3 कैंसिल और ऑप्शन मारो ए. ठीक है, तो 838 हर्ट्ज हो गया. एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन नहीं है मतलब 2-3 लाइन जो भी है, लेकिन एक बार ही फॉर्मूला यूज़ किया. तुम अगर नहीं तो करते तो 2 बार फॉर्मूला यूज़ करना होगा अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है पहले. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, फिर से देखो. यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ लाइब्रेरी, ये वाला आ गया रे, ये वाला बड़ा वाला. ठीक है, ये वाला, ये वाला. चलो इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखाई दे. ये ऐसे कर लेता हूँ, बड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, तुम्हें और अच्छी तरह से दिखना चाहिए. ठीक है, ये और अच्छी तरह से दिखना चाहिए. अब ये हो गया बड़ा. अब यहाँ पे इसको लॉक करते हैं हम लोग, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, लॉक करते पे ये छोटा क्यों हो गया रे? ठीक है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है मुझे, मैं मान के चला. देखो ये वाला हम लोगों ने अभी कर लिया था, ये वाला हम लोगों का हो गया. अब ये वाला देखते हैं, नंबर ऑफ बीट्स. ये तुम लोग अगर देखोगे ना, बीट्स का भी सेम वाला तरीका, डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी. बीट्स अगर पढ़े हो तो कर पाओगे इसको. ठीक है, अब 75 करते हैं. 75. ए ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. ये ट्रेन है, ट्रेन कितने से जा रही है तुम्हारा? 220 मीटर पर सेकंड से. अभी आजकल रियान हम लोगों का बोलता है गाड़ियाँ झुक झुक झुक, मुझे ट्रेन का इसी से याद आ रहा है. ठीक है, टूवर्ड्स ए स्टेशन है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो. एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़. साउंड ऑफ साउंड रीचिंग द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गया तो वो रिफ्लेक्ट हो गया इको. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन. नोटिस करो, ड्राइवर तो ट्रेन के अंदर है, मतलब इसी ने साउंड बजाए, इसी यहाँ से ही साउंड बजा और इसी को रिटर्न आया, मतलब यही सोर्स की तरह काम करेगा ड्राइवर. तो ड्राइवर भी ट्रेन के साथ ही जा रहा है ना, 220 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे सोर्स जो बनेगा, मिरर इमेज याद है ना, तो मिरर इमेज कितने से आ रहा होगा? देखो मिरर इमेज इसका सॉल्व कर रहा, मिरर इमेज कितने से आ रहा है? 220 मीटर पर सेकेंड, तुम्हें दिख रहा होगा. तो यहाँ पे सोर्स हो गया 220 मीटर पर सेकेंड से, ये सोर्स हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए सोर्स. फ्रीक्वेंसी तो 100 हर्ट्ज ही, 1000 हर्ट्ज दिया हुआ था. अब ऑब्जर्वर का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब ट्रेन के फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं. ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, चल पहले इसको बता देता हूँ. ये 220 मीटर पर सेकेंड, अब ये ऑब्जर्वर हो गया, ड्राइवर जो है ये ऑब्जर्वर है और ये ट्रेन के अंदर है, तो ये भी 220 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है. सोर्स से ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में साउंड जाता है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन. याद है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड का प्रॉब्लम करा रहा. देखोगे तुम सॉल्यूशन, देखोगे बहुत बार किया होगा तुम्हें ये, लेकिन मैं एक ही लाइन में सॉल्व करा रहा हूँ. F apparent is equal to F as V minus V O divided by V minus V S. यहाँ पे नोटिस करो, ये डायरेक्शन V O opposite direction में है, -220 meter per second. V S same direction as sound में है, तो +220 meter per second. तो यहाँ पे एक लाइन में मैं अगर पुट करो, F S ये वाला यूज़ करोगे क्योंकि ये F सोर्स है. 1000, V कितना है? अरे V कहाँ था रे, 330. देखो ये स्पीड ऑफ साउंड इज 330.
माइनस वीओ कितना था, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 220, ठीक है, 330 माइनस 220 हो गया क्योंकि ये प्लस था, तो ये 110, ये 550, तो 5 आएगा, 1000 इंटू 5 जो कि होगा तुम्हारा 5000 हर्ट्स, 5000 हर्ट्स। तुम लोग दिख रहा है ना ये कितने जल्दी से हो रहा है सॉल्व। तुम लोग अगर इसको मतलब पहले किसी तरीके से किए होगे ना, तब इस तरीके का तुम्हें एहसास होगा, ठीक है। ओके, अब ये हो गया तुम्हारा, कितना आ गया मेरा 70, कितना क्वेश्चन था रे, 5000 हर्ट्स ही है, ठीक है, चलो आंसर भी एक बार चेक कर लिया, वेरीफाई। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभार इसके बारे में भी पूछे सकते हैं, जैसे ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अरे यार छोटा हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर देखोगे नीचे वाला क्वेश्चन, ये ड्राइवर ऑफ ए कार, ये इसने बजाया फ्रीक्वेंसी, ये 330 द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टर, ये फिर से सेम क्वेश्चन है, ड्राइवर को भी सुनाई दे रहा है, ए कार इज मूविंग टूवर्ड्स ए फ्रीक्वेंसी, ड्राइवर साउंड ऑन द रिफ्लेक्टर साउंड हर्ड बाय द ड्राइवर एज ए फ्रीक्वेंसी 2f, इफ इज देन द वेलोसिटी ऑफ द कार, बस ये उल्टा क्वेश्चन है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पता है ड्राइवर को कितना सुन रहा है 2f, तो f ये ओरिजिनल देखो ये 2f है, ये बस क्वेश्चन में उल्टा है, मतलब ये f फ्रीक्वेंसी f का बजाया, तो इसको जो मिरर इमेज बना इसका भी फ्रीक्वेंसी f ही होगा, लेकिन इसको ये ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर को एफ अपेरेंट कितना सुनाई दे रहा है, एफ अपेरेंट 2f दिया हुआ है, और ये ओरिजिनल तो सोर्स ये बन गया ना मिरर इमेज, इसका कितना है एफ, तो ये अगर वी था, वी मान लो वी डैश वी नॉट मान लो, तो ये भी वी नॉट ही होगा, ये तो एक को प्लस वी नॉट लेना, एक को माइनस वी नॉट, देखो ये वी ओ क्या लोगे सोर्स से यहाँ तक, माइनस वी नॉट, स्मॉल वी नॉट लिख रहा हूँ और ये कैपिटल है, वी एस को क्या लोगे प्लस वी नॉट, बस फॉर्मूला में पुट कर दो, वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा, ट्राई करना 77, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं वेवलेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था उसको भी मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखना, वेवलेंथ का बीच से क्वेश्चन आया वो नहीं कराने वाला हूँ मैं, और एक क्वेश्चन कहीं पे था, अरे मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इस वाले में नहीं आया, 78 क्वेश्चन होगा तुम लोगों के पास, जिनके पास है देख पाओगे, मैं वेवलेंथ का ही करा के क्वेश्चन, चलो मैं पूरा डिक्टेट कर देता हूँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन करा लेता हूँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन ये प्रॉब्लम अगर एक बार कर लिया पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। मैं ये सब डिलीट मार रहा हूँ, डिलीट। ओके, यहाँ पे देखो ये देखना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है मैं बता ही देता हूँ पूरा, एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद वन फाइव, देखो ये जो है ऑब्जर्वर है, ये स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स बोला गया, स्टेशनरी सोर्स मतलब रेस्ट पे है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद ए स्पीड 1/5 द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी एस लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, सोर्स की हो जा रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्वेश्चन को मैं डायग्राम फॉर्मेट में दे रही हूँ, वेवलेंथ इसका, ठीक है, ऑब्जर्वर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसका एफ एस दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एंड वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, ये वेवलेंथ मतलब इसका है, बोला गया है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड अपेरेंट वेवलेंथ निकाला है, एंड अपेरेंट वेवलेंथ मतलब जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है, ऑब्जर्वर ये है ना, तो ये नोटिस कर ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ साउंड होगा, ये पॉजिटिव होगा सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर, स्टेशन है सोर्स है, तो वी एस तो जीरो, वी ओ क्या लिखोगे, वी ओ कैपिटल वी ओ सॉरी, ये देखो अपोजिट है तो -1/5 वी एस लिखना, फॉर्मुला में पुट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसके लिए नहीं करा रहा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नहीं, अपेरेंट वेवलेंथ, नोटिस करो वेवलेंथ का फॉर्मुला क्या था, लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल टू वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एफ एस, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे नोटिस करो वी एस क्या है जीरो, तो लैम और ओरिजिनल वेवलेंथ क्या था लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल क्या होगा, नोटिस करो लैम्डा इज इक्वल क्या है, वी साउंड का वी साउंड एफ इंटू वी साउंड लैम्डा इज इक्वल वी साउंड, ये तो ओरिजिनल वाला भी थोड़ी देर पहले कराया था, लैम्डा इज इक्वल क्या होता है वी एस बाई एफ, यहाँ पे नोटिस करो वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, चलो यार वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख देता हूँ कन्फ्यूज ना हो जाओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड नोटिस करो, वेलोसिटी ऑफ साउंड लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी ये हो गया, साउंड वेव तो पड़े हो गए, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे लिख दिया माइनस वी एस, नोटिस करो इस केस में वी एस जीरो है, तो लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय एफ एस एफ ही है, तो ये ओरिजिनल लैम्डा ही आया, मतलब ऑप्शन में डायरेक्टली अगर लैम्डा है तो डायरेक्टली टिक कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया था 78 अगर देखोगे 1.2f 1.2 लैम्डा दोनों निकालने थे ना, तो 1.2f कॉमा लैम्डा सी एफ कॉमा 1.2 लैम्डा एंड डी
0.8 f कॉमा 0.8 लैम्डा, ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ये डायरेक्टली दिख रहा है लैम्डा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, सोर्स मूव ही नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर कितना मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक सोर्स चेंज मूव नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहेगा, ठीक है। ये लैम्डा ओरिजिनल था, ये लैम्डा ओरिजिनल, ओरिजिनल कैसे निकालोगे, कोई डाउट है इसमें। चलो आज के लिए मैं खत्म कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर पूरा आने लगेंगे। हाँ सब्सक्राइब करके रख देना अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, मैं जितना हो सके लिंक भेजते रहूँगा, बीच बीच में चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि अपलोड करते जाऊँगा मैं भी डायरेक्टली, कभी कभार लिंक देना भूल भी जाओ, डायरेक्टली चेक करते जाना, पूरा मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज बहुत लोगों ने बोला R2 R3 ने कि डाउट है, जिनको डाउट है सुना, जिनको डाउट नहीं है सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टाइम बहुत अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स नहीं सुना किया है अच्छी तरह से सुन लो, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे और आसान वाले आएंगे, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे